हुकूमत से एहतजाज बर्दाश्त ना हुआ, ओछे हथकंडों पर उतर आई है नाम निहाद नून लीगी हुकूमत का फासिज्म का मुजाहरा। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई खवातीन की गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है। पीटीआई खवातीन बढ़ती महंगाई के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रही थी। कैदी मैन को पार्लियामेंट हाउस के अंदर बुला लिया गया। खवातीन पुलिस की भी भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है। आपको बताते चलें कि महंगाई के खिलाफ और जो पार्लियामेंट के अंदर बिल मंजूर किए गए थे जिसमें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी शामिल था, उस हवाले से एहतजाज किया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं के अलावा खवातीन जो कारकुनान थी उनकी जानिब से, और अब उनकी गिरफ्तारी के इम्कान बढ़ गए हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर वैन पहुँचा दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, नई मसगर से नई बताएगा। हाउस के बाहर पीटीआई की खवातीन का एहतजाज जारी था, गिरफ्तारी के इम्कान बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई की खवातीन आपसे कुछ देर पहले एहतजाज कर रही थी। इनमें कुछ अरकान कौमी असम्बली भी थी, सारी अरकान कौमी असम्बली भी थी, पीटीआई की जो रहनुमा थी ये एहतजाज कर रही थी, और एहतजाज करते हुए ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने दरवाजे बंद कर दिए। जिसके बाद खवातीन ने जबरदस्ती दरवाजे खुलवाए और दरवाजे के ऊपर भी कुछ खवातीन उन्होंने चढ़ने की कोशिश की। तहम नफरी वहां पर खवातीन, पुलिस की नफरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो खवातीन को रोक सकती, और खवातीन पीटीआई की खवातीन कारकुनान और रहनुमा पार्लियामेंट हाउस के अंदर चली गई, और उसके बाद पुलिस की बारी नफरी दोबारा से मंगवाई गई। जिसके बाद अब से कुछ देर पहले कैदी वैन को भी उसके बाहर बुलाया गया, पार्लियामेंट के गेट पर बुलाया गया ताकि इन खवातीन को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन पुलिस के अफसरान भी वहां पर मौजूद थे, जिली इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे, और फिर खवातीन के साथ मुज़ाकरात हुए। कैदी वैन पहुंचा दी गई है, खवातीन को गिरफ्तार किए जाने का इम्कान बढ़ गया है। नई मस्कर इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।